हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक। तो अब मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का मैं लेकर के आया हूँ। आज का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमको आज जानना है, तो इसको हम कंपेरेटिव रूप में इसको स्टडी कर ले रहे हैं। ओके, तो हेडिंग डालिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ रहेगा मेटल्स और दूसरी तरफ रहेगा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, चलिए दो कॉलम बनाया। पहले कॉलम में हम पढ़ेंगे मेटल्स, द एलिमेंट्स विच हैव वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट्स मीन्स विच हैव वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स। वन टू आर थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। इन आउटर मोस्ट सेल, जिनमें बाहरी सेल में वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मेटल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेरी मेटल। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2, 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ मेटल। ओके, एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3, 3 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ मेटल। ओके, नॉन मेटल्स में आ जाइए। द एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख लोगे तो कार्बन 6, 2, 4, नाइट्रोजन 5, 7, 2, 5, ऑक्सीजन 8, 2, 6, फ्लोरीन 9, 2, 7। इसमें एक्सेप्शन देख लीजिए, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेप्शन, हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, इट इज ए नॉन मेटल। इट इज ए नॉन मेटल। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। ओके, एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके,
कैलियम, आल्सो एक्सेप्शनल केस, इट इज लिक्विड। ओके, यहां पर आइए तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेशन पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सो ऑन, लिक्विड स्टेट ब्रोमीन एंड सॉलिड स्टेट कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड सो ऑन। ओके, तो नोट करो डाउन। ठीक, तीसरा आता है मेटल्स हैव लस्टर मींस शाइन। ओके, जब ये पॉलिश कर दिए जाते हैं तो ये बहुत चमकते हैं। इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा लेड, इट हैज डल अपीयरेंस, डल अपीयरेंस। ओके, एंड नॉन मेटल्स आर डल, दीज आर डल नॉट लस्टर, एक्सेप्शन ग्रेफाइट डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा, इसमें लस्टर होता है। ओके, फोर्थ आइए, फोर्थ देखते हैं हार्डनेस, दीज आर जनरली हार्ड मीन्स मेटल्स आर हार्ड। ओके, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम मर्करी गैलियम। ओके, आर सॉफ्ट, आर सॉफ्ट। यहां पर चार आ जाइए, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, दीज आर जनरली soft, exception diamond is one of the hardest known non-metal or substance, you can say substance known substance। डायमंड जो होता है विश्व का सबसे कठोरतम
सब्सटेंस होता है, चाहे मेटल ले लो चाहे नॉन मेटल ले लो, सब कुछ में हर ओके। पांचवा डिफरेंस देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ओके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव दीज हैव हाई MP and BP. Why? Due to strong metallic bonding. Strong metallic bonding. Strong metallic bonding. इसमें exception में आ जाएगा मरकरी. मरकरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ इसमें आ जाएंगे नॉन मेटल्स में, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। Vander Waals forces. Exception. इसका exception हो जाएगा silicon, carbon, silicon, carbon, boron, etc. Have high boiling point and melting point. Okay. नोट कर लिए, इरेज करूं। Okay. Six difference देखते हैं। डेंसिटी, जनरली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, दीज हैव हाई डेंसिटी, दीज हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना ही चाहिए एक्सेप्शन। ओके, सोडियम पोटेशियम can be cut with knife. Its density is not high. In nanometers, the sixth point is low density. Low density. इसमें exception हो जाएगा diamond. Have high density. Seventh, ductility. Okay, these can be converted to wires. Wires, thin wires. Thin wires. Okay. Gold का एक ग्राम यदि होता है उसे दो किलोमीटर लंबा वायर है ना, लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड होता है। टंगस्टन
टंगस्टन इनविजिबल वायर बनता है इसका, इनविजिबल वायर। ओके, इसमें एक्सेप्शन ले लो मरकरी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एंड जिंक, जिंक का भी वायर नहीं बन सकता। और सेवेंथ इसमें देखते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल मींस द वायर कैन नॉट बी फॉर्म, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन के फाइबर बनाए जा सकते हैं। मेलेबिलिटी नेक्स्ट मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद रेस करूं। मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स कैन बी ड्रॉन मेटल्स कैन बी बीटेन into sheets, malleability, metals can be beaten into thin sheets, okay? It means metals are malleable. Okay? जब उनको चोट मारा जाता है तो वो सीट के रूप में चेंज हो जाते हैं। Examples कुछ ले लीजिए मैलेबल मेटल्स के, तो एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। एक्सेप्शन कुछ होंगे, एक्सेप्शन बहुत ही आवश्यक होता है, तो एक्सेप्शन जरूर जानना चाहिए। सोडियम पोटेशियम मरकरी एंड जिंक आर द एक्सेप्शन, नॉन मैलेबल। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। ओके, मतलब इनके सीट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। हैमर से जब इनको पीटा जाता है तो ये टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब उसके बाद नाइन्थ टॉपिक है बच्चों, ब्रिटलनेस ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रिटलनेस मीन्स व्हाट
ऑन अप्लाइंग फोर्स something breaks down, something breaks down into pieces, okay, it is called brittleness, but metals are non-brittle. Okay. सभी मेटल्स जो होते हैं नॉन ब्रिटल होते हैं. एकमात्र एक्सेप्शनल केस होता है जिंक. जिंक इज ए ब्रिटल मेटल. ओके, नॉन मेटल तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में. तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. ओके, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. एग्जाम्पल ग्रेफाइट. ग्रेफाइट सल्फर इट इज एक्सेप्शन. इसमें भी एक्सेप्शन होता है. गैसेस आर नॉन ब्रिटल. जितने भी गैसें होती हैं नॉन मेटल वो नॉन ब्रिटल होते हैं. ओके, नेक्स्ट टेंथ. तो टेंथ के लिए हमको इसे इरेज करना पड़ेगा. मिटा दूं? कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स. द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके, मेटल सभी जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस नाते वो अच्छी तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं. एक्सेप्शन टंगस्टन. पोअर कंडक्टर होता है टंगस्टन. जो होता है टंगस्टन इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इसमें टेंथ नॉन मेटल में
मोस्ट ऑफ द नॉन मीटर्स आर मोस्ट ऑफ द नॉन मीटर्स आर बैड कंडक्टर. एक्सेप्शन जानना जरूरी है इसमें. ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. एंड फॉर्म केटायंस. ओके, जैसे सोडियम है 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम केटायन बना लेता है 2, 8. ओके, मैग्नीशियम ले लो 2, 8, 2. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर नॉन मीटर्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 2, 6, इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 2-2, 8. क्लोरीन 2, 8, 7 प्लस ई 2, 8, 8. ओके, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी. तो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. अब इसके बाद है एटॉमिसिटी, तो इसको भी रीज करना पड़ेगा. मिटा देते हैं.
एटॉमिसिटी। मेटल्स इन वेपर स्टेट एटॉमिसिटी। ओके, एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जिसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है उसको हम मोनो एटॉमिक, जिसके मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं उसको डाया एटॉमिक, जिसमें थ्री एटम्स होते हैं ट्राई एटॉमिक, फोर होने पर टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, तो मेटल्स इन वेपर स्टेट, मेटल्स इन वेपर स्टेट, मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनो एटॉमिक, आर मोनो एटॉमिक। ओके, वेपर स्टेट में मेटल मोनो एटॉमिक होते हैं अर्थात एक ही एटम उसके पाए जाते हैं वेपर स्टेट में। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल्स आर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। डाया एटॉमिक में जैसे डाया एटॉमिक, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्राई एटॉमिक, ओजोन, टेट्रा एटॉमिक, P4, ओके एंड सो ऑन। इसमें एक्सेप्शन ले लो, एक्सेप्शन नोबल गैसेस आर नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, आर मोनो एटॉमिक। अब आइए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, 13 इसमें टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ओके, मोस्ट मेजर ऑक्साइड्स आर बेसिक, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल Na2O, K2O, MgO, CaO, etc. ओके, एक्सेप्शन सम मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक आल्सो, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक,
एग्जाम्पल CrO3 एंड Mn2O7 Mn2O7 ओके सम मेटल ऑक्साइड आर इम्पोर्टेरिक सम मेटल ऑक्साइड्स आर इम्पोर्टेरिक इम्पोर्टेरिक मीन्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं जैसे Al2O3 ओके जिंक ऑक्साइड ZnO PbO ये सब जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड और ये सब बेसिक ऑक्साइड यहां पर आइए नॉन मेटल केस में 13 नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर ओके SO3 CO2 NO2 ओके P2O5 ETC एक्सेप्शन सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल एग्जाम्पल H2O CO NO N2O इसको नोट कर लीजिए तो यहां पर हमारा समाप्त हो रहा है अभी डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हो तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बतलाया था डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या आज सिंपली जो है मैं डिस्कस करूंगा हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके सो लेट अस स्टार्ट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर ओके इसको हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स towards water कि कौन सा मेटल
इस वाटर से कैसे कैसे रिएक्ट करता है ये आपको इसमें पढ़ने हैं। ओके, तो हम पहले रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा बच्चों। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी, पिछले जो फर्स्ट चैप्टर था, सॉरी सेकंड चैप्टर था, एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए एक बार और मैं यहाँ पर उसको रिवाइज करवा देता हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का। ओके, ये सभी जो है मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, यहां से लेड से लेकर के जो नीचे के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, डू नॉट रिएक्ट दीज मेटल्स, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। Under any condition. ओके, लेड हाइड्रोजन तो छोड़ ही दीजिए, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो आपके दो चार छह मेटल्स हैं ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ओके, लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन अंडर एनी कंडीशन। तो जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर जो पोटेशियम और सोडियम दिया हुआ है। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दीज मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। ओके, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 NaOH प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में उसको आप देखिए। ओके, तो बहुत ही कठिन नहीं है, इजी है, आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जैसे मान लो कि रिएक्शन जो है आप इस कंटेनर में करवा रहे हो, ये आपका कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर, इसमें आपने सोडियम डाल दिया। ओके, तो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है ये सोडियम जो है ना, बहुत ही वायलेंट दिस रिएक्शन अगर वायलेंटली, ओके, वायलेंटली रिएक्शन होता है, वायलेंटली, और बबल्स बनने लगते हैं हाइड्रोजन गैस के, H2 गैस बनने लगते हैं, H2 गैस ऊपर उठते हैं और उस H2 के साथ जो है सोडियम स्टिक होकर के चिपक करके ऊपर आने लगता है, इस नाते फ्लोट करने लगता है कोल्ड वाटर में। ओके, सोडियम फ्लोट करने लगता है, साथ ही साथ इतना ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है कि उस हीट के कारण हाइड्रोजन जो है बर्न करने लगता है, जलने लगता है।
ओके, हाइड्रोजन बर्न करने लगता है, जलने लगता है। चाहे आप सोडियम कोल्ड वाटर में डालो या पोटेशियम कोल्ड वाटर में डालो, जैसे ही सोडियम या पोटेशियम वाटर के अंदर जाता है, ओके, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, वायलेंट रिएक्शन होती है। रिएक्शन जो होती है बहुत ही वायलेंट होती है, वायलेंट, ओके, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और वह हीट जो है हाइड्रोजन गैस को बर्न करा देती है, हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें सोडियम या पोटेशियम, ओके, न तो वाटर के अंदर डीप करके रखते हैं, न खुले एयर में रखते हैं, क्योंकि एयर में आप जानते ही हो कि मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, उस वाटर वेपर से भी ये सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही अधिक होती है, आग पकड़ सकता है। इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ओके, केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल को डीप करके रखा जाता है। तो ये सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक चीज और, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बनने के कारण जो है बेसिक हो जाता है। यदि इसमें हम ब्लू लिटमस डालें तो वह रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में, ओके। अब आइए हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो होता है ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, इसकी भी रिएक्टिविटी बहुत ही अधिक होती है, पर उतनी नहीं होती जितनी की सोडियम या पोटेशियम की होती है। रिएक्टिविटी अधिक होती है पर वायलेंट रिएक्शन नहीं होता, ये दोनों जो होते हैं वायलेंट रिएक्शन देते हैं, वायलेंट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन नहीं देता, ओके, और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ओके। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो होता है मिल्की दिखने लगता है, मिक्सचर जो होता है वो कैसा दिखने लगता है, मिल्की, ओके। आसानी से यदि कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, परंतु ज्यादा मात्रा में हीट नहीं प्रोड्यूस होता, जिससे कि हाइड्रोजन गैस नहीं बर्न होती है, इसमें आग नहीं लगता, जबकि इन दोनों में सोडियम और पोटेशियम में आग लग जाता है, ओके, इट कैचेस फायर, सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर इन कोल्ड वाटर, कैल्शियम डज नॉट कैच फायर इन कोल्ड वाटर, ओके, गेट इट। नाउ अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की, ओके, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की लिस्ट रिएक्टिव मेटल, लिस्ट रिएक्टिव मेटल, ओके, लिस्ट रिएक्टिव मेटल, इनको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, फिर आप लोगों को समझ में आएगा आसानी से। हाँ आइए, ये जो जी एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है और आयरन होता है, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। इन तीनों की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होती है, जिंक की आयरन से ज्यादा होती है। ये लोग जो होते हैं, ओके, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, स्टीम, क्यों स्टीम से, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, बहुत ही ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ओके, और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होता है। आयरन का जो स्टील के साथ जो रिएक्शन होता है वह रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है। ओके, अब बैलेंस करने की बारी आ रही है, 2Al3। ओके, 3H2। दिस 3, 4 इन दिस वे एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। एल्यूमिनियम जिंक आयरन जो होता है वार्म वाटर से रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है कम होती है वाटर के प्रति। ओके, अच्छा, साथ ही साथ ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जबकि इनके ऊपर के जो मेटल्स थे वो सब हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। ओके, अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी। चलिए तो इनको मिटाते हैं, मैग्नीशियम का मैं यहीं पे लिख देता हूं। मैग्नीशियम भी जो होता है, ओके, वार्म वाटर से रिएक्ट करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबका रिएक्टिविटी आप लोगों को मिल गया होगा, के प्लस एच टू ओ गिव्स के ओ एच प्लस एच टू, एन ए प्लस एच टू ओ टू एन ए ओ एच प्लस एच टू, सी ए प्लस टू एच टू ओ सी ए ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच टू। ओके, ये सारा रिएक्शन था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर और हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स टुवर्ड्स वाटर इज केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट आपका इसने लेड से लेकर के जितने प्लेटिनम तक के मेटल्स हैं ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी वाटर के प्रति जीरो होती है। ओके, दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऊपर के जो दो एलिमेंट हैं, मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव। दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इवन when sodium or potassium is kept in cold water, it catches fire. The reaction takes place violently, hydrogen gas is released and it catches fire due to huge amount of released heat. 2K plus 2H2O equal to 2KOH plus H2, 2Na plus 2H2O equal to 2NaOH plus H2. कैल्शियम इज ऑल्सो रिएक्टिव बट इट इज समवॉट लेस रिएक्टिव देन सोडियम और पोटेशियम। ओके, सो इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर बट नॉट सो मच ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड सो इट डज नॉट कैच फायर। हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। नाउ मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव दैन कैल्शियम, इट डज नॉट रिएक्ट विद
कोल्ड वाटर इट रिएक्ट विद वार्म वाटर और हॉट वाटर इट आल्सो प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस ओके नाउ द मेटल्स एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन दीज आर लिस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर दीज डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर दीज रिएक्ट विद स्टीम ओके एंड दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड वन थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम इज रिवर्सिबल ओके इज रिवर्सिबल थैंक यू वेरी मच